कर्नाटक का चिकबलपुर। आरोप है कि यहाँ एक किसान ने अपने 3 महीने की बेटी को 1 लाख रुपए में बेच दिया। उन रुपयों से उसने एक बाइक और मोबाइल खरीद लिया। पड़ोसियों की शिकायत के बाद महिला और बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों ने 29 अगस्त को बच्ची को बचा लिया। उसे अडॉप्शन सेंटर भेज दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक घटना बेंगलुरु से 70 किलोमीटर दूर एक गांव की है। यहां एक दंपति ने अपने 3 महीने की बेटी को बेचने का प्लान बना रहे थे। बेंगलुरु में कुछ लोगों से बात तक हो चुकी थी, पर अस्पताल के अधिकारियों की नज़र उन पर बनी हुई थी, जिस कारण उनका प्लान धरा का धरा रह गया। फिर एक दिन किसी व्यक्ति ने उनका एक पड़ोसी गांव के आदमी से सौदा करवाया। उसका कोई संतान नहीं थी, तो बात 1 लाख रुपए में फाइनल हुई। किसान को पैसा मिला। उन पैसों से उसने 50,000 की एक बाइक और 15,000 का मोबाइल फ़ोन खरीद लिया। इन खर्चे से पड़ोस में रहने वाले लोगों को शक हुआ और बच्चे के गायब होने का भी पता चला। इसी दौरान बाल कल्याण विभाग को किसी ने सूचना भी दे दी थी कि एक परिवार ने बच्ची को बेचकर उसके एवज में पैसे लिए हैं। विभाग के अधिकारी गांव में लोगों से पूछताछ करने पहुंचे और जब टीम किसान के घर पहुंची तो पड़ोसियों ने उन्हें सारी बात बता दी। हालांकि अधिकारी सिर्फ किसान की पत्नी को ही पकड़ पाए, क्योंकि उसका पति मौके से फरार हो चुका था।